Morning, everybody. In 12th class, your unit is the electrochemistry. And in this unit, today we are going to discuss about the batteries. Primary batteries are in running. So today we have a special battery that is known as the mercury. So mercury cell, या इसका mercury battery बोलिए. ये मर्करी सेल जो है वो हमारे डेली लाइफ रूटीन में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और स्पेशली जो आपके टॉयज़ वगैरह होते हैं बच्चों के खेलने के तो उन टॉयज़ में पावर के लिए इस मर्करी सेल का ही यूज़ किया जाता है. तो ये इसका जो आकार है इसका जो साइज है वो डिफर होता है अलग अलग होता है. आपने देखा होगा कि रिस्ट वॉच के अंदर भी सेल लगता है वो कितना छोटा होता है तो वो एक मर्करी सेल का ही एग्जांपल है. तो मर्करी सेल में जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इस प्रकार की होगी. ये छोटा सा स्मॉल डिवाइस है ये इसके जो सेंटर के अंदर भाई ग्रेफाइट की रॉड होती है ये ग्रेफाइट रॉड्स और ये जो ग्रेफाइट के रॉड है ये कैथोड का काम करती है. इसे हम बोलते हैं कैथोड और जो इसका बॉटम जो होता है ये एनोड का काम करता है. तो कैथोड एंड एनोड इस ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ मर्करी ऑक्साइड का पेस्ट बना हुआ होता है. HgO ये पेस्ट होना चाहिए. तो मर्करी ऑक्साइड का पेस्ट होता है और इस मर्करी ऑक्साइड के पेस्ट के साथ ही इसमें हम ZnO और KOH ये से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करेंगे. जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्पेस के लिए और नीचे जो हमारा ये जेटन दस्ते का बना हुआ है ये दस्ता कोटेड होता है और ये हमारा कहलाएगा एनो. ये एक सिंपल जो है वो मर्करी सेल है और अब इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन होगी. एनोड जेटन का बना हुआ है और जब आप एनोड की बात करें सॉलिड स्टेट में है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आएंगे OH पर ये बेसिक मीडियम में या मीडियम हो गया बेसिक जब आपके प्रेजेंस ऑफ OH आए बेसिक मीडियम तो यहाँ जेडन OH टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन जिंक ऑक्साइड प्लस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डोनेट किए जाएंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट हुआ इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो सेल के अंदर एनोड कहलाता है और ये मर्करी का जिंक का बना हुआ होता है. ये जो OH आएंगे ये KOH से आएंगे ये भी आपको ध्यान रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से है. और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोड होगा हमारा कैथोड राइट. तो कैथोड जो है वो मर्करी ऑक्साइड से कोटेड है HgO मर्करी ऑक्साइड से और ये एक्वस मीडियम ये इलेक्ट्रॉन को करेगा एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये हमें न्यूट्रल मर्करी और प्लस OH आयन देगा. ये OH आयन वापस इस एनोड की तरफ जो है वो एज ए रिएक्टेंट काम करेंगे. तो ये कंटिन्यूसली ये जो रिएक्शन है ना वो आपने होती रहेगी और इस तरह से जिंक और मर्करी के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ उससे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जो है सेल रिएक्शन को आप कंप्लीट लिखें उसमें हमने एनोड का जेडन लिया था ये हमने एच जी को लिया था जेडन ओ प्लस एच जी ये कंप्लीट सेल रिएक्शन बन गया.
तो ये इंटरफेस है और इसका पोटेंशियल बोर्ड एग्जाम में कभी कभार शॉर्ट आंसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरफेस है क्या, इसका यूज बताइए और इसकी जो रिएक्टिविटी है, सेलुलर रिएक्शन है, वो किस तरह से जो आगे फॉरवर्ड होती है, इसके बारे में आपको ये इस तरह का आंसर देना होगा। तो ये मर्करी सेल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी बैटरी में, और ये और एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, वो लेड स्टोरेज, इसे हम लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं या लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसे हिंदी में बोलते हैं सीसा संचायक सेल। तो इसको हमने सीसा संचायक, क्योंकि इसमें लेड एक्युमुलेट होता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है, इसलिए इसको हमने बोल दिया सीसा संचायक लेड स्टोरेज सेल। ये सेल जो है वो सेकेंडरी सेल कहलाता है। अब आपने अभी तक ये जो मर्करी सेल और पहले जो पढ़े थे सेल, वो सब आपके प्राइमरी थे, लेकिन अब आप पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। तो ये सेकेंडरी सेल का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी सेल जो होते हैं इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जब अपना फंक्शन अपनी लाइफ पूरी कर लेते हैं, पहले बात कोई बहुत ही लॉन्गर पीरियड तक चलते हैं, लंबे समय तक ये वर्क करते हैं, हमें बहुत ही लंबे समय तक पावर प्राप्त होती रहेगी, और जब ये अपनी लाइफ पूरी कर लें तो उसके बाद में इनको वापस रिसाइकिल किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है, तो ये रिचार्ज हो जाती है और रिचार्ज होने पर वापस अपना फंक्शन उसी तरह से स्टार्ट कर देती है। तो सेकेंडरी सेल जो है वो रिचार्जेबल है। दूसरा कि ये जो सेल है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, उत्क्रमणीय प्रवृत्ति का, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रक्रम है और साल के अंदर वो उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय हो गया, रिचार्जेबल हो गया, लॉन्ग लाइफ आपके इसमें दे रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें हाई वोल्टेज अर्थात उच्च विभव की विद्युत धारा इसमें प्राप्त की जा सकती है। ये लेड स्टोरेज, और आपने देखा होगा कि लेड स्टोरेज का यूज जो हमारे साउंड के अंदर जो है, जैसे कि आपके डीसी वगैरह होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, व्हीकल के अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर इंजन को स्टार्ट करने में इसी सेल का यूज होता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है लेड स्टोरेज सेल। अभी सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, तो ये एक आजकल तो पहले तो प्लास्टिक कोटेड नहीं होता था, अब हमारे पास में एक प्लास्टिक कोटेड डिवाइस होता है, ये आउटर जैकेट है और ये एक हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, और ये हार्ड प्लास्टिक जो है वो एसिड प्रूफ, बेस प्रूफ, इसमें ना तो अम्ल का कोई असर होता है और ना इसमें कोई क्षार का असर होता है। अंदर इसके अंदर चैम्बर बने हुए होते हैं और ये चैम्बर जो है वो अल्टरनेट क्रम में होंगे, तो इसमें ये इसका अरेंजमेंट, ये लेड प्लेट कहलाती है। तो लेड प्लेट को सीरीज के अंदर हम इसको आपस में इंटरलिंक करके ग्रिड बनाते हैं। जैसे देखिए ये लेड धातु की केबल बनी हुई, ये टीबी की बनी हुई होती है अल्टरनेट क्रम में, ऐसे ही ये प्लेटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा जो प्लेट होता है ये हमारा लेड और टिन कोटेड होता है, पीबी और SN, तो एक तरह से ये एलॉय हो गया, पीबी और SN का एलॉय, टिन कोटेड लेड। और ये जो टिन कोटेड लेड होता है ये कैथोड का काम करता है, तो इसको हम इस प्रकार से लॉक जोड़ दीजिए और फिर इसको आप आउटर सर्किट से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, ये सीरीज के अंदर। ये तो मैंने आपको डायग्राम में भी दो ही प्लेटें दिखाई, ये प्लेटों की संख्या ज्यादा हो सकती है,
और जो ओनली लेड प्लेटेड है इसका एक दूसरा ग्रिड बनाया जाता है, ये दूसरा ग्रिड, ये आउटर सोर्स से इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये दो ग्रिड हो गए, एक तो ये कैथोडिक ग्रिड कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कैथोड, एक कैथोडिक ग्रिड कहलाता है, और ये जो हमारा ओनली लेड है ये लेड वाले साझा को एनोडिक ग्रिड कहलाता है। तो कैथोड और एनोड है दोनों में कॉमन, बस अंतर ये है कि जो कैथोड होता है उसके जो लेड की प्लेट होती है वो टिन कोटेड होता है, अलॉय बनता है, और इसके अंदर इसको सपोर्ट करने के लिए PbO2 लेड परऑक्साइड, और लेड परऑक्साइड के साथ में अब इसमें एक लिक्विड ये एसिड, और ये जो एसिड होता है वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO2, ये 38% होता है। तो 38% लगभग सल्फ्यूरिक एसिड ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का काम करेगा। तो ये इसकी एक कंस्ट्रक्शन हुई। अब ये कितने वोल्ट का होगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो आपने ग्रिड बनाए हैं कैथोड एनोड की है, ये दोनों ग्रिड जो है ना वो कितने कितने प्लेट के हैं, ठीक है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 18 वोल्ट, 16 वोल्ट की है, तो वो अलग अलग वोल्टेज में आते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है, तो सबसे पहले देखिए इसमें एनोड पे जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं। तो एनोड पे रिएक्शन, एनोड जो होता है ना वो स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी का मतलब कि वो पोरस होता है, सच्छिद्र होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आयनों का आवागमन इजीली हो जाए। तो स्पॉन्जी इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, सबसे पहले तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है वो 2H आयन और प्लस सल्फेट आयन देगा, ये हमारा एसिड, और ये सल्फेट आयन जो है वो फिर लेड ही पर आएंगे, और Pb+SO4 2-, और इस तरह से ये जो 2- पर इन्होंने आपने बना दिया Pb+SO4 लेड सल्फेट, and they will donate the 2 electrons. तो इस तरह से PbSO4 lead sulfate बनेगा और 2 electrons donate कर दिए जाएंगे। अब ये तो हो गया एनोड का कार्य। अब कैथोड पे देखिए कि जो कैथोडिक रिएक्शन है वहां पर अलग सिस्टम है। सिस्टम तो क्या ये होगा कि PbO2 जो है लेड परऑक्साइड ये इसमें मेजर रोल प्ले करता है, लेड परऑक्साइड, और अगेन इसमें सल्फेट आयन कॉमन हो गया, ये दोनों जगह काम करेंगे, और यहाँ पर 2H+, ठीक है, और ये डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना वो, तो कैथोड के ऊपर जो है ना वो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है कैथोड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बनेगा क्या Pb+SO4 अर्थात लेड सल्फेट जो है इस कैथोड पे भी बनता है, और प्लस 2H2O, राइट। तो ये कैथोड पे होने वाली रिएक्शन और ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन, इन दोनों अभिक्रियाओं को जो है कभी कभार शॉर्ट आंसर भी आता है कि लेड सल्फेट पर कैथोड पे होने वाली रिएक्शन को आप जो है लिखिए, तो केवल एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक पीरियड नंबर का भी होता है, और जब कंप्लीट रिएक्शन को आप फाइनलाइज करेंगे तो इस बार इस तरह से ले सकते हैं कि Pb+PbO2+H2SO4 38%, ये इज इक्वल टू Pb+SO4 लेड सल्फेट और प्लस H2O लिक्विड, ये लिक्विड है, ये हमारा 38%, 38%। अब इस तरह से ये
लेयर ऑक्साइड हमारा कैथोड की तरफ और ये एनोड का, तो दोनों का आप कंबाइन कर दीजिए, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी रेड स्टोरेज की। तो रेड स्टोरेज जो सेल है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब इसको अगर आप रिचार्ज करना चाहें तो कैसे करें, तो रिचार्ज करने के लिए है, क्योंकि देखिए आप लोग जैसे जैसे इसको यूज करेंगे तो कैथोड एनोड दोनों पे ही लेड सल्फेट डिपॉजिट होगा, और लेड सल्फेट जो है वो एक्वस इनसोल्युबल होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, जब जल में घुलेगा नहीं तो फिर इसके ऊपर कोट बन जाएगी, एक इनर्ट लेयर बन जाएगी, तो धीरे धीरे सेल से वोल्टेज जो है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो उनकी संख्या उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, और अब इसको वापस आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब लेड सल्फेट को वहां से हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक उच्च ऊर्जा स्रोत से इसको जोड़ा जाता है, अर्थात इस सेल का जो ईएमएफ है लेड स्टोरेज सेल का, उससे कहीं ज्यादा ईएमएफ वाला जो आउटर सोर्स है उसको उसको जोड़े, और ये विपरीत दिशा में जोड़ा गया, अपोजिट डायरेक्शन में इसको जोड़ते हैं, तो वहां पर जाके रिडक्शन होने लगता है। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ये रिचार्ज होने वाले रिएक्शन, तो एनोड पर जो हमारा लेड सल्फेट ईबीएस को बोर्ड जो बन गया था, ठीक है, अब वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जबकि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होते हैं, डोनेट होते हैं, इसलिए कह रहे हैं ये अपोजिट हो गया। तो इससे क्या होगा, ये ईबी प्लस आयन और प्लस सल्फेट ये रिडक्शन होता है, ठीक है, तो का आपको ध्यान है ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमने इसको रिवर्स जोड़ रखा है, और इसी तरह से जो कैथोड होगा, कैथोड की क्या रिएक्शन होगी, तो यहाँ कैथोड पे भी बनने वाला जो लेड सल्फेट है PbSO4, ये SO4 और ये PbO2 बन जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO4 आयन टू नेगेटिव और फोर एच प्लस और तो देखिए कैथोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो ये रिचार्ज कैसे करेंगे, रिचार्ज के लिए रिएक्शन लेते हैं, लेड स्टोरेज सेल को रिचार्ज कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अधिक समय के पश्चात सल्फेट लेड सल्फेट का क्रिस्टलन शुरू हो जाता है, और ये क्रिस्टलन होने से पुनः टीबी और पीबीओ2 में परिवर्तित नहीं होता, अतः बैटरी की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब ये कम हो जाएगी तो उसको हमें रिचार्ज करना पड़ेगा।